वर्षों से अनेक पैसेंजर गाड़ियां रेलवे द्वारा बंद कर दी गई हैं। खासकर गोंदिया वर्षा बल्लाशाह और गोंदिया बालाघाट नैनपुर जबलपुर ट्रेनें बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को गोंदिया शहर में आने जाने में काफी असुविधा हो रही है। ग्रामीण और गोंदिया शहर के व्यापारियों द्वारा निरंतर समिति सदस्य इंजीनियर जसपाल सिंह चावला को पैसेंजर ट्रेनें पुनः शुरू करवाने के लिए पत्र मिल रहे हैं, जिसके चलते समिति सदस्य इंजीनियर जसपाल सिंह चावला द्वारा यात्रियों की असुविधा को देखते हुए निरंतर पैसेंजर ट्रेनें शुरू करने की मांग रेल मंत्रालय भारत सरकार से की जा रही है, जिसमें इतवारी रायपुर पैसेंजर, इतवारी डोंगरगढ़ पैसेंजर, इतवारी टाटानगर फास्ट पैसेंजर एवं अन्य सभी पैसेंजर ट्रेनें शामिल है। मंथली सीजन टिकट पूर्वतः की तरह शुरू करने की मांग भी की गई है। गोंदिया स्टेशन के उत्तर एवं दक्षिण रिजर्वेशन टिकट काउंटर संख्या बढ़ाने की भी मांग की गई है। सीनियर सिटीजन कंसेशन, जर्नी ब्रेक, सर्कुलर टिकट आदि सुविधाएं दोबारा शुरू करने की मांग भी की गई है। गोंदिया स्टेशन के दक्षिण साइड टिकट घर के ऊपर रिटायरिंग रूम एवं डॉर्मेट्री निर्माण की मांग भी रखी गई है। कुछ सुपरफास्ट ट्रेनों के मार्ग बदलकर गोंदिया बालाघाट जबलपुर के रास्ते चलाने के भी सुझाव समिति सदस्य इंजीनियर जसपाल सिंह चावला द्वारा मंडल रेल प्रबंधक मरिंदर सिंह उप्पल के समक्ष रखे गए। मंडल रेल प्रबंधक ने जायज मांगों को रेलवे द्वारा जल्द स्वीकृति मिलने का आश्वासन दिया। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।